1950 में संविधान लागू होने के बाद से लेकर के 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने देश के संविधान में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 75 से अधिक बार संशोधन प्रस्तुत करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास किया। कांग्रेस का कभी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं था। आपने देखा होगा संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग करते हुए राज्यों में सरकारों को 90 से अधिक बार बर्खास्त, अनैतिक तरीके से बर्खास्त करने का कार्य कांग्रेस ने किया और लगातार देश के अंदर अव्यवस्था, अराजकता का माहौल पैदा करके अस्थिरता की ओर देश को धकेलने का काम कांग्रेस करती रही, संवैधानिक संस्थाओं को अपना मोहरा बनाती रही, अराजकता फैलाती रही, अव्यवस्था का शिकार बनाती रही और देश कांग्रेस के इस तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ जिस तरीके से उस समय लड़ा था 1975 उसका एक उदाहरण है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जयप्रकाश नारायण जी को, मोरारजी देसाई जी को, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को, देश के उन सभी बड़े नेताओं को देर रात्रि में ही गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया, देश के अंदर जहां कहीं भी कोई व्यक्ति इस अराजकता के खिलाफ आवाज उठा रहा था, लोकतंत्र के समर्थन में लिख रहा था, बोल रहा था, किसी गोष्ठी में शामिल था, या जहां कहीं से भी उन्हें लगता था कि यह व्यक्ति इनका प्रचारक हो सकता है, इनका वाहक हो सकता है, इस अभियान को आगे बढ़ा सकता है, उन सबको गिरफ्तार करके जेलों के अंदर डालने का काम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने करने का कार्य किया था। कांग्रेस ने जो कार्य 1975 में किया था, आज भी भले वह सत्ता से बाहर हो, आज भी भले ही उसका चेहरा बदला हो, लेकिन मूल चरित्र अभी तक बदला नहीं है। आज भी कांग्रेस देश के अंदर रहती है तो उसका नेतृत्व देश के अंदर रह करके लोकतंत्र की दुहाई देने के नाम पर, संविधान की दुहाई देने के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का कार्य करती है।